नागपुर के सर्वधर्म संभाव के प्रतीक संत ताजुद्दीन बाबा, जहां हर जाति धर्म के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, यहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। इसी श्रृंखला में आज विधायक किशोर जोरगेवार, इन्होंने बाबा के दरबार में माथा टेक कर अपने क्षेत्र, सुख संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। इस दौरान खास बातचीत की है, आइए डालते हैं एक नज़र। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली सरकार के सालाना उर्स के मौके पर पूरा शहर बाबा की रहमतों से जगमगा उठा है। दूरदराज से जायरीन अपनी मन्नत लिए बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली की शान में सजदा करते नजर आए हैं। इस करिश्माई सालाना उर्स के मौके पर किशोर जोरगेवार ने ताजाबाद शरीफ में शिरकत की, जहां उन्होंने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली की मजार पर चादर चढ़ाई और जनता और नागपुर की खुशहाली की कामना की। साथ ही साथ महाप्रसाद ग्रहण कर बाबा की रहमतों के भागी बने। जायरीनों का इस्तकबाल करता ताजाबाद शरीफ आज बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली सरकार की रहमत में झूम उठा है। हमारे साथ किशोर जोरगेवार जी है, वो आज आए हैं अपना माथा टेकने ताजबाग दरगाह। हमें सबको पता है कि 101वां उर्स चल रहा है और यहाँ पे जो है हर कोई आकर अपना माथा टेकता है। आप बताइए कि क्या बताओगे आज जो आप यहाँ बाबा के दरबार में आए हो, क्या संदेश देना चाहो? बाबा के दरबार में मैं विगत 45 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन हजरत बाबा ताजुद्दीन की जो रहमत है ये पूरे परिसर पर, विदर्भ पर, उसी के फिर एक बार हम लोग उसका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं यहाँ के ट्रस्टी जो है, प्यारे भाई हमारे हजरत बालाजी और बाकी सारे ट्रस्टियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन्होंने ताज बाग का ये रूप केवल विदर्भ में नहीं तो इसको मध्य भारत और भारत का एक प्रमुख केंद्र के रूप में, इसको एक सर्वधर्म समभाव का, जिसको अपन कह सकते हैं, एक ऐसा मिसाल बनाया है। मैं गडकरी साहब और बाकी भी जो हमारे नेता है, उन्होंने यहाँ पर जो मदद की है वो भी, उसका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा। चूँकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ, इसलिए एक बहुत ही अच्छा उत्सव, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर इन्होंने बनाया है। और मैं बाबा ताजुद्दीन से दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारे इस विभाग के लोग हैं, इनको धन धान्य सुख समृद्धि तो दे ही दे, लेकिन अच्छा आरोग्य भी दे, ऐसी मेरी कामना रहेंगी। और ये जो ट्रस्टी लोग हैं, इनके हाथ से और काम, सेवा का काम और बढ़े। और ये भी मैं चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से चंद्रपुर जो मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी कोई एक ऐसा सामाजिक उपक्रम वो यहाँ बनाए चंद्रपुर में भी, क्योंकि सभी जाति कौम से के लोग बाबा को मानने वाले हैं। जब ताजुद्दीन बाबा को चंद्रपुर से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमको ताजुद्दीन बाबा और उर्स जो भी कम से कम 25-30 मंडल इसके उर्स भी चंद्रपुर में निकालते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस ट्रस्ट की ओर से चंद्रपुर में भी कोई सामाजिक काम उपक्रम हो, फिर एक बार तहे दिल से इनका शुक्रिया। दरख्वास्त जो की है, हमने देखा कि सबके लिए दुआ मांगी है। राजनीतिक जो चल रहा है अभी हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कुछ दुआ की है, जैसे हम देख रहे हैं आज का ही ले लो तो आज डिनर डिप्लोमेसी जो है राजनीति में चल रही है, क्या बताओगे इस पर? आपको भी बुलावा आया है डिनर के लिए आज? देखिए, अगर आप कहोगे तो ये सरकार को बनाने वाले 50 लोगों में मैं हूँ, लेकिन गुवाहाटी के कामाख्या देवी के जाके आशीर्वाद लेकर, लेकिन ये वो जगह नहीं है। एक अच्छा है कि हर कोई, हर किसी का, पॉलिटिकल आदमी का भूमिका रास्ता एक ही है कि लोगों की, आवाम की सेवा करना, आवाम की सेवा करना। और उसमें ये सब बाकी, अब चुनाव के दिन है, डिनर डिप्लोमेसी होगी, सारी चीज़ें होगी, लेकिन मैं उसके भी आगे ये ट्रस्ट के जो लोग हैं इनका यहाँ पे विशेष रूप से अभिनंदन करूँगा। और मैं ये बताऊँगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनको ये कहूँगा कि आपने भी इस जगह आकर अपना मत्था टेकना चाहिए। तो किशोर जोरगेवार जी, ये जो निर्दलीय विधायक है, इन्होंने आवाम के लिए जो यहाँ दुआ की है, अपना माथा टेका है और साथ ही साथ सभी को उर्स की शुभेच्छा भी दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।